तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। तो गाइज, अभी आप हमारे सामने यहाँ पर देख रहे हैं कि हीरो की स्प्लेंडर प्लस 2023 की लेटेस्ट मॉडल ये गाड़ी लग गई है, जो कि E20 फ्लेक्स फ्यूल के साथ वर्क करती है। तो आज के इस वीडियो में इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि आप कम से कम इस गाड़ी को कितना डाउन पेमेंट करके खरीद सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी को खरीदने सोच रहे हैं तो कम से कम कितना पैसा आप शोरूम में दीजिएगा कि आपको ये गाड़ी मिलेगा, बाकी मंथली EMI कितना जाएगा, लोन कितना जाएगा, फाइनेंस का क्या डिटेल है, गाड़ी का क्या फंक्शन है, सभी कुछ आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करता हूं सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट पार्ट से। तो फ्रंट पार्ट में आप यहां पे देखेंगे कि ये जो इसका जो वाइजर है ना, ये बिल्कुल पहले की तरह बॉक्सी शेप में आपको इसका वाइजर देखने को मिलेगा, जो कि ग्लॉसी ब्लैक के फिनिशिंग में है। लेकिन 2023 की जो एक्सटेक मॉडल है ना, इसमें कंपनी यहां पे थोड़ा सा चेंजमेंट करके दो और ग्राफिक्स दे दिए हैं और यहां पे ऊपर में हीरो स्प्लेंडर प्लस का ब्रांडिंग मिलता है और यहां पे देखेंगे LED लाइट मिलता है। लेकिन ये LED लाइट का डिमेरिट क्या है कि भाई, आप जब तक इसके इंजन को स्टार्ट नहीं करेंगे, किक नहीं मारेंगे, सेल्फ नहीं लेंगे, तब तक ये लाइट नहीं जलता है, ये चीज़ है। इसके साथ साथ इसकी हेडलाइट की मैं बात कर लूँ तो हेलोजन में रिफ्लेक्टर बेस्ड इसके हेडलाइट मिलते हैं। और वहीं बात करते हैं इस गाड़ी की फ्रंट की सस्पेंशन की, तो टेलीस्कोपिक टाइप में फ्रंट का सस्पेंशन मिल जाता है। और टायर साइज़ की मैं बात कर लूँ तो 80x100 18 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जो कि 130mm इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम पर वर्क करती है। IBS पर यह गाड़ी वर्क करती है, ये जो गाड़ी है वो CBS पे वर्क नहीं करती है। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि IBS क्या होता है, CBS क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम यानी अगर आप आगे वाला ब्रेक मारते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आगे वाला ही ब्रेक लगेगा, लेकिन CBS में ऐसा नहीं है। अगर आप पीछे वाला ब्रेक लेते हैं ना, तो आपका आगे वाला भी ब्रेक धीरे-धीरे लगता है, वो उसको बोलते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। तो सेफ्टी के मामले में थोड़ा सा ये दिक्कत है IBS ब्रेकिंग सिस्टम देकर। बाकी फ्रंट में बात करते हैं इस गाड़ी के फेंडर पे, तो यहां पे देखेंगे ना कि ग्लॉसी ब्लैक के फिनिशिंग में सिंगल कलर टोन में आपको इसका फेंडर देखने को मिलता है। और बात करते हैं इंजन की, तो सबसे पहले यहां पे आपको मैं दिखा दूं 97cc का आपको इसका इंजन मिलता है। गाड़ी कहने के लिए ये 100cc का है, लेकिन 97cc का आपको यहां पे इंजन मिलता है, जो कि 8 PS की मैक्सिमम पावर बनाती है 8000 RPM पे। और वही मैक्सिमम टॉर्क की बात कर ले तो 8.05 Nm की मैक्सिमम टॉर्क बनाती है 6000 RPM पे, जो कि एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर टाइप के FI के इसके इंजन देखने को मिलते हैं। ये जो गाड़ी था ना, पहले कार्बोरेटर में आता था, लेकिन यहाँ से कार्बोरेटर को हटाकर इसके FI में अब ये गाड़ी मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पावर स्टार्ट FI प्रोग्राम्ड FI के साथ आपको इसका इंजन देखने को मिलता है। 4-स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आपको इसका इंजन मिलेगा। वहीं सेफ्टी के तौर पे बात कर ले तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है, जिससे होगा क्या कि आपका गाड़ी में स्टैंड लगा हुआ है तो गाड़ी आगे मूव ऑन नहीं करेगा। बात करते हैं इसके ऑयल टैंक पे, तो ऑयल टैंक पे आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ भी आपको दो ग्राफिक्स मिलते हैं और एक हीरो का लोगो मिलता है, बिल्कुल क्रोम की फिनिशिंग में शानदार चमचमाती हुई कलर के साथ आपको 3D में क्रोम का लोगो मिल जाता है। और यहाँ पे इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात कर लूं तो 9.8 लीटर यानी 10 लीटर के आसपास इस गाड़ी की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलेगी। और यहां भी इस साइड से भी आपको हीरो का लोगो मिल जाता है, जो कि बिल्कुल क्रोम के फिनिशिंग में मिलेगा। किक के साथ साथ सेल्फ का भी ऑप्शन आपको ये गाड़ी में मिलता है, डिजिटल मीटर मिल जाता है। और बात करते हैं इस गाड़ी की सीट की, तो सिंगल टाइप सीट में मिलता है, स्प्लिट सीट आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता है। टोटल सीट हाइट के बारे में बात कर ले तो 785mm की इस गाड़ी की सीट हाइट मिलेगी। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो 165mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। ओवरऑल कर्व वेट की बात करें तो इस गाड़ी की जो वजन है वो 112 kg की इस गाड़ी की वजन आपको देखने को मिलेगी। बाकी रियर में बात कर लेवे तो यहां पे भी आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। सीट काउल के नीचे में देखिएगा तो i3S का लोगो मिलता है। और यहां पे ग्रैब हैंडल जो है वो छोटा सा करियर टाइप मिलता है, जिससे आप अपने लगेज को भी आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं। पीछे की लाइट के बारे में बात कर लेवे तो आपको बल्ब में ही इसका लाइट मिल जाता है। रियर की फेंडर आपको फाइबर बॉडी में एक रिफ्लेक्टर के साथ मिलता है। इंडिकेटर आपको फ्लेक्सिबल बल्ब में मिलेगा। लेडीज साइडी गार्ड मिल जाता है। और यहीं पे बात कर लेते हैं इस गाड़ी के रियर टायर साइज की, तो रियर का जो टायर साइज है वो 80x118 इंच का यहाँ पे रियर का टायर साइज मिलेगा, जो कि 130mm इंटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये गाड़ी वर्क करती है। चैन सॉकेट की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं मेटल में इसका चैन सॉकेट मिलता है, फाइबर में इस गाड़ी का चैन सॉकेट नहीं मिलता है। फुटपैक्स की बात कर ले तो ये आपको नॉर्मल में इसके फुटपैक्स देखने को मिलेंगे, यहाँ भी देखेंगे तो नॉर्मल में ही इसके फुटपैक्स मिलते हैं, कोई फ्लेक्सिबल फुटपैक्स नहीं मिलता है।
बैटरी पैनल के पास स्प्लेंडर प्लस का ब्रांडिंग मिलेगा, एक्सटेक का एक स्टिकर मिलता है, यानी इसके मेन चीज सबसे डिजिटल मीटर पे। तो डिजिटल मीटर से पहले आप यहाँ पे देखिए, इसका जो हैंडल बार है ना, वो आपको नॉर्मल में क्रोम की ट्रीटमेंट में इसका हैंडल बार मिलेगा। लेफ्ट हैंडल बार में पास लाइट का ऑप्शन भाई साहब इस गाड़ी में नहीं मिलता है। हाई बीम लो बीम मिलेगा, इंडिकेटर मिलेगा और एक हॉर्न मिलेगा। इसके साथ साथ i3s का लोगो और यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन मिलता है। आप बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के डिजिटल मीटर की, तो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ, इंजन मालवेयर फंक्शन, फ्यूल का ऑप्शन, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, सभी के सभी कुछ आपको डिजिटल मिलेंगे। बाकी आपको यहाँ पे देख रहे हैं इस गाड़ी में रियल टाइम माइलेज भी दिखाता है कि आपका किस स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और आपका उस स्पीड में क्या एवरेज माइलेज निकाल कर गाड़ी दे देती है, वो चीज़ भी दिखाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि USB चार्जिंग के ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। बहुत भाई लोग हमसे पूछते थे क्या TVS के गाड़ी में है, तो भाई अब हर गाड़ी में कॉमन हो गया है USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जिससे आप अपने फ़ोन को आसानी से गाड़ी चलाते चलाते ड्राइव करते करते भी फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये हो गई गाड़ी की कुछ डिटेल। अब आ जाते हैं कि इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस क्या होने वाली है। तो झारखंड में इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है वो 93,500 रुपये के आसपास से ऑन रोड प्राइस है। और वहीं बात करते हैं कि लोन एंड फिनांस की, तो आप कम से कम 20,000 से 25,000 रुपये देकर किसी भी शोरूम में किसी भी बैंक से फिनांस करा सकते हैं काफ़ी किस्तों के साथ। बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो कुछ नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर किसी भी शोरूम में आप पहुँच जाइए। भारत का कोई भी कोना में, इंडिया के कोई भी एरिया में आप चले जाइए, काफ़ी आसानी से आपका गाड़ी फिनांस हो जाता है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।